विषाक्त द्रव्यों को लूटे हुए मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। क्षेत्राधिकारी नगर ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरे मामले में क्या जानकारी दी है, आइए आपको भी दिखाते हैं। कोतवाली परिसर में पुलिस सर्वेक्षा में मौजूद यही वे दोनों साथी अभियुक्त हैं जो नगर क्षेत्र में बाइक पर सवार होकर मोबाइल छीनने और लूटने की घटनाओं को अंजाम देते थे और आखिरकार ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बता दें कि कोतवाली में तैनात एसआई अतिवीर सिंह पुलिस बल के साथ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ताल दरवाजा के निकट गश्त पर थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि गगरिया बाईपास मार्ग पर पीपल के पेड़ के निकट दो बदमाश खड़े हुए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर खड़े दोनों युवकों को पकड़ लिया। उनके कब्जे से एक बाइक, तमंचा, कारतूस और विभिन्न स्थानों से छीने गए तीन मोबाइल बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम निखिल पूज्यतैन कश्यप, रोहित पुत मदनलाल निवासी नगरिया कोतवाली मैनपुरी बताए। विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके दोनों को जेल भेज दिया गया। पूरी सफलता को लेकर क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार सिंह ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। 27 तारीख को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो संदिग्ध व्यक्ति होंडा सिटी कार पर औछा बाईपास के पास खड़े हुए हैं। इनकी हरकतों को देखते हुए मुखबिर जो सूचना मिली पुलिस तत्काल में पहुंची और उनको भागने से पहले उनको धर दबोचा। तलाशी लेने पर यह पाया गया कि उनके पास एक तमंचा, 315 बोर के 5 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल उनके पास बरामद हुआ है। एक का नाम निखिल पुत्र जितेंद्र है जो छोटी नहरिया थाना कोतवाली मेटूर रहने वाला है। दूसरा रोहित पुत्र मदन जो छोटी नहरिया का रहने वाला है। ये दोनों को पकड़ के पुलिस थाने पर लाई है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।